नमस्कार, इंटर न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हुसूर तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर मेदांता हॉस्पिटल में कोरोना विस्फोट हुआ है। मेदांता हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। एक डॉक्टर, नर्सिंग और हाउसकीपिंग स्टाफ कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। मेदांता हॉस्पिटल के कई स्टाफ कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तो लखनऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। और ये बता दें आपको कि मेदांता हॉस्पिटल, ये जगह बताई जा रही है, मेदांता हॉस्पिटल के कई स्टाफ कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मेदांता हॉस्पिटल में टोटल 24 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएम के आदेश के बाद से आरटीपीसीआर की जांच करवाई गई। सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल मेदांता में कोरोना का कहर देखने को मिला। पूरे अस्पताल को अब सैनिटाइज करवाया जा रहा है। तो ये बड़ी तादाद में कोरोना विस्फोट माना जा रहा है। एक डॉक्टर, नर्सिंग और हाउसकीपिंग स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मेदांता हॉस्पिटल के कई स्टाफ कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मेदांता हॉस्पिटल में कुल 24 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है। बड़ा विस्फोट कोरोना का बताया जा रहा है मेदांता अस्पताल में। लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। और कोरोना को लेकर के जो बड़ी जानकारी सामने आई है, दरअसल लखनऊ का मेदांता अस्पताल, जहां बड़ा विस्फोट कोरोना का देखने को मिला और कोरोना संक्रमित कई डॉक्टर्स और स्टाफ पाए गए हैं। तो एक डॉक्टर, नर्स और हाउसकीपिंग स्टाफ कोरोना संक्रमित हुए हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जय शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। जय, आपसे जानकारी चाहेंगे। लखनऊ का जो मेदांता अस्पताल बताया जा रहा है, यहां पर बताया जा रहा है कि कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आपको बता दें कि जो लखनऊ का मेदांता हॉस्पिटल है, काफी हाई स्पेशलिटी सेंटर माना जाता है। यहां पर जो एक डॉक्टर सहित लगभग 33 लोग ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हुए हैं। अभी हमारी जो यहां के डायरेक्टर हैं, मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर राकेश कपूर से मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि यहां पर हाउसकीपिंग स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ सहित लगभग 33 लोग कोरोना संक्रमित हुए। हालांकि पूरे स्टाफ की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। यहां पर खुद जो यहाँ के लखनऊ के डीएम है अभिषेक प्रकाश, उन्होंने खुद आदेश दिया है कि यहाँ पूरे स्टाफ की स्क्रीनिंग कराई जाए, पूरे हॉस्पिटल का सैनिटाइजेशन कराया जाए, क्योंकि ये हाई स्पेशलिटी सेंटर भी है। यहाँ पर तमाम दूर दूर से भी मरीज आते हैं, तमाम लोगों का यहाँ पर इलाज चलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लगातार अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अगर हम देश की राजधानी की बात करें, जो दिल्ली की बात अगर हम करें, तो वहां भी जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी इसकी दस्तक हो चुकी है और बड़े पैमाने पर अब लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन जय, आपसे भी जानकारी चाहेंगे, करता है कि लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। जी जय, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कोरोना का विस्फोट होना वाकई बेहद चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि ऐसे में जो मरीज वहां पर शामिल थे पहले से ही, जिनका इलाज जारी था, अब ऐसे में अगर डॉक्टर और नर्सेस ही कोरोना के चपेट में आ जाते हैं, तो फिर ऐसे में जो पेशेंट पहले से वहां पर मौजूद है, उनके ट्रीटमेंट को लेकर के क्या व्यवस्था करवाई जा रही है आगे? बिल्कुल, जिस तरह से हमारी वहां के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं प्रोफेसर राकेश कपूर से जैसी कि मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि जो संक्रमित है उनको आइसोलेट कर दिया गया। हालांकि सभी एसिम्प्टोमेटिक थे, जो जितने भी संक्रमित लोग थे वहां पर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे हाउसकीपिंग स्टाफ हो, सभी लोग एसिम्प्टोमेटिक थे। उनको स्क्रीनिंग करके उनको आइसोलेट कर दिया गया है। और जो और लोग हैं इसके अलावा, जो भी स्टाफ है, लगभग 2000 का स्टाफ बताया जा रहा है यहां पर, पूरे हॉस्पिटल में लगभग 2000 का स्टाफ यहां पर तैनात है, सभी की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात जरूर है, इस तरह से एक तरह से कोरोना विस्फोट हुआ है राजधानी लखनऊ में, तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात जरूर है और सभी को सतर्क रहने की भी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। जी ठीक है। जय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बाकी जिन डॉक्टर्स के बारे में अभी तक जानकारी हासिल हुई, 24 कुल स्टाफ बताए जा रहे थे, तो क्या ये अभी और बढ़ सकता है? क्योंकि आरटीपीसीआर जांच अगर जारी है, तो ऐसे में क्या ये तादाद बढ़ सकती है अभी? बिल्कुल, अगर हम कल की बात करें तो कल ये वहां की जो संख्या थी वो 24 थी, लगभग 24 लोगों में कोरोना का जो पॉजिटिव पाए गए थे, कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं आज जो कल के बाद जो स्क्रीनिंग हुई, तो आज की स्क्रीनिंग में कुछ लोगों की और तादाद बढ़ी। अब ये तादाद बढ़कर 33 हो गई है, जिस तरह से हमारी बात हुई है जो वहां का प्रशासन है, जो मेदांता हॉस्पिटल का जो प्रशासन है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि 33 लोगों में इनकी पुष्टि हुई है और अभी और स्क्रीनिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं आगे और भी लोगों में संक्रमण पाने की उम्मीद जताई जा सकती है। हालांकि पूरी तरह से पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइज कराया जा रहा है। सभी लोग जो भी पाए गए थे वो सब एसिम्प्टोमेटिक थे, तो फिलहाल पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद जय आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो वाकई बड़ा विस्फोट इसे माना जा रहा है मेदांता में। और अब जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि जो 24 का आंकड़ा बताया जा रहा था, ये स्क्रीनिंग के बाद अब अपडेट होकर के इसे कहा जा रहा है कि 35 हो चुकी है।